फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, उनकी प्रॉपर्टी तो पैरा जैसी है, लेकिन फर्क एक है कि पैरा के जो एटम्स हैं वो मैग्नेट है, लेकिन फेरो के एटम मैग्नेट नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, मतलब उसका इफेक्ट थोड़ा बढ़ाता है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। तो फेरो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का बना हुआ है, पैरा वीक मैग्नेट का बना हुआ है, और डाया का एटम मैग्नेट है ही नहीं। ठीक, इसके एग्जाम्पल हैं आयरन एंड निकल, इनके एग्जाम्पल्स हैं, राइट। एक टेम्परेचर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा कम होती है अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जब आप फेरो लेते हैं और उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती है और वो क्या बन जाता है, पैरा। तो फेरो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरा। तो उस टेम्परेचर को जब फेरो पैरा में बन जाता है, वीक हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या नाम देते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को क्यूरीज टेम्परेचर बोला जाता है।